हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पनीर मसाला भुर्जी। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ पनीर भुर्जी की रेसिपी है, जिसे हम थोड़े से स्पाइसेस और थोड़े से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। तो अगर आपको भी पनीर खाने का शौक है और आपको भी पनीर से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो को देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। पनीर भुर्जी की इस रेसिपी को आप रोटी, चपाती, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस रेसिपी की पूरी डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपकी कोई भी डाउट है या कोई भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया और उसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद एक चम्मच रिफाइंड ऑयल को डालेंगे। दोनों जब गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसे टेम्पर होने देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, उसे ऐड कर देंगे। प्याज डाल के हमें उसे अच्छे से थोड़ी देर तक के लिए फ्राई करना है, जब तक कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़े से लाल ना हो जाए। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए तब हम यहाँ पर अब एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद उसे भी हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें अब बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इस स्टेज पर हम यहाँ स्पाइसेस डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि मसालों का कच्चापन ना चला जाए। मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया था जिसका प्यूरी बना के रेडी कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 5 से 7 मिनट तक हमें मसालों के साथ अच्छे से कुक करना है, जब तक कि टोमेटो अच्छे से कुक ना हो जाए। टमाटर अच्छे से जब कुक हो जाएंगे तब ये साइड से ऑयल सेपरेट होने लगेगा। यहाँ पर 2 हरी मिर्ची डालेंगे, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 से 4 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा साइड से, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें अब थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस चीज़ को डालिए। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और यहाँ पर 2 चम्मच दही डालेंगे। दही को मैंने फेट लिया था, डायरेक्ट दही नहीं डालेंगे, दही को लेके थोड़ा सा फेट लेंगे, उसके बाद हम इसे इस मसालों में डाल देंगे। दही डालने के बाद गैस का फ्लेम लो ही रखना है और हमें अच्छे से उसे फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऑयल साइड से पूरे अच्छे से सेपरेट हो गए हैं, दही भी हमारा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तब हम यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर ये 1/2 कप पानी है, इसे ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद उसे अच्छे से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर देंगे। पानी अगर आपको थोड़ी सी और थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्पाइसेस पानी की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। पानी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के लिए रख देंगे। जब इसमें एक बॉयल आने लगे, पानी जब हमारा उबलने लगे, तब इस स्टेज पे हम इसमें पनीर डालेंगे। तो ये 200 ग्राम्स ऑफ पनीर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया, मतलब कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी ऐसे मसल के इस तरीके से ग्रेट करके रेडी कर सकते हैं। अब ये इस पनीर को डाल देंगे। पनीर डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 8 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। पनीर को कुक करते जब हमें इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। 7 से 8 मिनट तक जब आप इसे कुक करेंगे, पनीर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आप देखेंगे कि पनीर ने भी साइड से ऑयल सेपरेट कर दिया है। तो उस स्टेज पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को अपने हाथ पे लेंगे और इसे हथेली से ऐसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। क्रश करने से इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है, इसलिए ऐसा करके आप डालें।
और एक आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा पनीर मसाला भुर्जी रेडी हो गया है। आप देखिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पनीर भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। पनीर हमारे सेपरेट सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, मसालों ने भी अपना काम अच्छे से कर लिया है और पनीर भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में इसमें एक बड़ा चम्मच फ्रेश कोरिएंडर लीव्स धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी पनीर मसाला भुर्जी की रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। अब मैं आपको इसका फाइनल टेक्सचर दिखाती हूँ कि पनीर जो है उसमें साइड से ऑयल भी अच्छे से सेपरेट है, मसालेदार भी है और स्पाइसी भी है। पनीर भुर्जी की इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।